हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो देखते हैं आज का लीट कोड का प्रॉब्लम क्या है। लीट कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है कैन प्लेस फ्लावर्स। प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम जो है इजी लेवल का। चलिए देखते हैं क्या है। यू हैव अ लॉन्ग फ्लावर बेड इन विच सम ऑफ द प्लॉट्स आर प्लांटेड एंड सम आर नॉट। हाउएवर फ्लावर्स कैन नॉट बी प्लांटेड इन एडजेसेंट प्लॉट्स। गिवन एन इंटीजर एरे फ्लावर बेड कंटेनिंग जीरोज एंड वंस, वेयर जीरो मीन्स एम्प्टी एंड वन मीन्स नॉट एम्प्टी एंड इंटीजर एन रिटर्न इफ एन न्यू फ्लावर्स कैन बी प्लांटेड इन द फ्लावर बेड विदाउट वायलेटिंग द नो एडजेसेंट फ्लावर्स। सिंपल क्या है कि हमारे पास एन फ्लावर्स हैं, एक प्लॉट है। हमें इन फ्लावर्स को एडजेसेंट मतलब जो खाली जीरो जो है वो खाली जगह है ऐसी जगह डालना है कि एडजेसेंट प्लॉट्स हमारे ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हमने यहाँ वन डाल दें तो वन वन के बगल में, ये नहीं करना है। यहाँ पर वन डालेंगे तो वन के बगल में जीरो, वन के बगल में जीरो, ये वैलिड पोजिशन हो गई। अब एन टू है तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। अब एन टू है, अब एक वन को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है, तो एडजेसेंट में कोई नहीं रहेगा, एडजेसेंट में कोई नहीं, एडजेसेंट में कोई नहीं, एक एन बच जाएगा, तो रिटर्न क्या होगा? फॉल्स। चलो अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जैसे वन जीरो 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 वन, मेरे पास एन की वैल्यू अभी क्या है? वन है। अब मुझे क्या करना है कि ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं एक अपने फ्लावर को डाल सकूँ और वो मेरा रूल भी ब्रेक ना करे। रूल क्या ब्रेक करेगा? जैसे अगर यहाँ पर मैं फ्लावर एन डाल देता हूँ तो इसके अगल बगल में कोई फ्लावर था? हाँ था, तो क्या रिटर्न हो जाएगा? फॉल्स। ये रूल ब्रेक हो गया। नहीं तो फिर कैसे करना है? यहाँ पर जीरो है, हम वहीं डाल सकते हैं। तो हम अपनी सारी जीरो पोजीशन को देखेंगे, यहाँ पर डाल कर देखेंगे, हम अपना वन यहाँ डाल कर देखेंगे। तो इसके बगल में वन था, इसके बगल में वन था, नहीं था, तो यहाँ पर हमारा फिट बैठता है। तो एन को हम वन हटा के अब जीरो कर देंगे। जैसे हमारा एन जीरो हो जाएगा हम अपना रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा? ट्रू, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है वन जीरो 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 वन। यहाँ पर क्या है? एन की वैल्यू अभी टू है, ठीक है, एन की वैल्यू टू है। तो अब एन यहाँ मैं डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि बगल में वन है। यहाँ मैं वन डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकता हूँ, क्योंकि ना इसके बगल में वन है ना ही इसके बगल में वन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने डाल दिया, अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। तो अब क्या कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ मैं वन डाल सकता हूँ? यहाँ डालूंगा तो भी आसपास में वन है, यहाँ डालूंगा तो भी आसपास में वन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि मेरा सारे के सारे फ्लावर्स मैं नहीं डाल पाया, तो रिटर्न फॉल्स, ठीक। अब क्या करना है इसमें? क्या ट्विस्ट क्या है? एज केस क्या है? एज केस ये है कि सपोज मेरा क्वेश्चन ये होता, जीरो 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 वन जीरो जीरो। तो पहले मैं क्या देख रहा था? लेफ्ट और राइट। अगर मेरा आई जीरो है तो मुझे सिर्फ क्या देखना है? राइट में कोई वन है या नहीं। सपोज एन इक्वल्स टू टू। अब मेरा आई अगर जीरो पोजीशन पे है तो मुझे सिर्फ में क्या देखना है कि राइट में मेरा वन नहीं होना चाहिए। अगर राइट में मेरा वन नहीं है तो यहाँ पर मैं वन डाल सकता हूँ, मुझे लेफ्ट नहीं देखना क्योंकि लेफ्ट में एलिमेंट ही नहीं होगा। सेम फॉर लास्ट एलिमेंट के लिए, अगर लास्ट में मेरा जीरो है, ठीक है, अगर लास्ट एलिमेंट ही मेरा जीरो है तो सिर्फ मुझे क्या देखना है? लेफ्ट में मेरा वन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में भी मेरा जीरो होना चाहिए। लेफ्ट में अगर मेरा जीरो हो तो यहाँ पर भी मैं वन डाल सकता हूँ, यहाँ वन डाल दूंगा, यहाँ वन डाल दूंगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। रिटर्न क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। अब और अगर मान लो एन की वैल्यू थ्री होती तो यहाँ पर मैंने वन डाल दिया, ठीक है, अब यहाँ पर जीरो है तो लेफ्ट में वन है, लेफ्ट में जीरो है, नहीं डाल सकता। यहाँ पर जीरो है, लेफ्ट में जीरो है, लेकिन राइट में क्या है? वन है, नहीं डाल सकता। अब इस जीरो पे आ गए, लेफ्ट में वन है, राइट में जीरो है, यहाँ भी नहीं डाल सकता, ठीक है। तो एन की वैल्यू मेरी क्या बचेगी? हम एक दो हम डाल चुके हैं, एन की वैल्यू वन बची, तो मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा? फॉल्स। जो मेन ध्यान देना था मुझे अपना एज केस इसी पर देना था। करना क्या है, अप्रोच क्या होगी? सिंपल सा एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है वन जीरो 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 वन, और जब मैंने एग्जांपल लिया था जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है, हमें क्या करना है? एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक। अब हमें अपना ऑपरेशन कब करना है? जब हमें जीरो मिलता, अगर हमें जीरो मिला, अगर हमें जीरो मिला तो हमें देखना है कि क्या इसके लेफ्ट में जीरो है, क्या इसके राइट में जीरो है। अगर दोनों जगह जीरो होगा तो इसको वन कर देंगे और एन को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये अगर जीरो है तो क्या इसके लेफ्ट में जीरो है, क्या इसके राइट में जीरो है? नहीं, लेफ्ट में जीरो नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एन की वैल्यू वैसे हमारी वन से
जैसी जीरो होती है हम उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे, लेकिन सपोज अगर एन की वैल्यू यहाँ पर मेरी वन की जगह टू होती तो अभी मेरी एक ही वन डाल पाया हूँ मैं, तो अब क्या हो जाएगा, वन एक फ्लावर बचा है मेरा, तो अभी यहाँ इस जीरो पर देखेंगे कि लेफ्ट में तो जीरो है लेकिन क्या राइट में जीरो है, नहीं है, तो एन की वैल्यू मेरी वन बच जाएगी और मेरा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, वन वन है वन पे तो ट्रू ही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर है हाँ जीरो मिल गया, अब क्या इसके लेफ्ट में जीरो है, तो लेफ्ट में तो नहीं लेना, क्योंकि अगर वो जीरो एलिमेंट है तो मुझे सिर्फ राइट में चेक करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है सिर्फ राइट में चेक करना है, तो क्या लेफ्ट में तो नहीं होगा, तो राइट में जीरो है हाँ है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा वन कर दूंगा। अब इस जीरो का लेफ्ट में जीरो है नहीं है, तो फिर इस जीरो पर जाऊंगा, लेफ्ट में जीरो है हाँ है, क्या राइट में जीरो है नहीं है, तो मुझे क्या करना है फिर मैं नेक्स्ट जीरो पर आ जाऊंगा, लेफ्ट में जीरो है नहीं है, फिर नेक्स्ट जीरो पर आ जाऊंगा, लेफ्ट में जीरो है हाँ है, राइट में जीरो है हाँ है, तो मैं इसको वन कर दूंगा, ठीक है। मेरे एज केसेस क्या हैं कि लास्ट और उसमें लास्ट फर्स्ट जीरो पे मुझे सिर्फ राइट एलिमेंट देखना है, लास्ट जीरो पे मुझे सिर्फ लेफ्ट एलिमेंट देखना है, बाकी मेरा सेम लूप चलेगा हर जीरो के लिए मुझे लेफ्ट और राइट दोनों देखना है, ठीक है। अब इसको कोड कैसे करना है, सिंपल क्या ले लेंगे, एक अपना फॉर लूप चलाएंगे, जीरो से लेके आई लेस देन फ्लावर डॉट, साइज तक जाएगा, ठीक है, फ्लावर डॉट साइज एंड, चलना जब तक मेरा जीरो से बड़ा होगा तब तक ये लूप चलेगा। मुझे क्या करना है, इफ फ्लावर ऑफ आई इक्वल इक्वल जीरो, अगर वो मेरा जीरो है तभी मुझे ऑपरेशन अपना करना है, तो मुझे क्या करना है एक लेफ्ट में देखूंगा इंट लेफ्ट, अगर मेरा या तो मेरा आई जीरो हो इक्वल इक्वल जीरो, या फिर एलिमेंट अगर वो जीरो नहीं है कहीं और होगा तो उससे एलिमेंट वाला उससे पिछला एलिमेंट मेरा जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने किया कि 0 1 0 1 0 0, मैंने क्या किया कि अगर मेरा आई जीरो है तो या तो अगर मेरा या तो आई जीरो हो ठीक है, या फिर अगर आई जीरो नहीं है तो अगर मेरा ये वाला जीरो है तो मुझे लेफ्ट एलिमेंट देखना है कि जीरो है या नहीं है, अगर ये वाला है तो मुझे लेफ्ट नहीं देखना, ठीक है, वही मैंने किया। और इसी तरीके से मुझे क्या करना है इंट राइट इक्वल्स टू, या तो आई मेरा क्या हो फ्लावर डॉट साइज -1, या तो मेरा आई लास्ट एलिमेंट हो तो मैं अपने राइट उसके लिए नहीं देखूंगा, नहीं तो मुझे राइट एलिमेंट देखना होगा, और वो कैसे होगा, आई +1 इक्वल्स इक्वल्स 0, ठीक है। अगर ऐसा है इफ लेफ्ट एंड राइट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि लेफ्ट में भी जीरो नहीं है और राइट में भी जीरो नहीं है, तो मुझे क्या कर देना है पावर ऑफ आई को जीरो कर देना है और एन माइनस माइनस कर देना, रिटर्न क्या करना है एन 0 0, अगर मेरे एन की वैल्यू जीरो हुई तो मुझे रिटर्न ट्रू हो जाएगा, एन की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। फ्लावर बेड रन हो गया, सबमिट करते हैं, मैं फ्लावर बेड ऑफ आई प्लस 2 1 करना था, रिटर्न सबमिट, सबमिट हो गया है। तो ये था आज का प्रॉब्लम, इजी लेवल का प्रॉब्लम था। तुम्हें अगर वीडियो समझ आई हो, सॉल्यूशन समझ आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।